आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने क्या करना है, कन्वर्शन करनी है डिग्री मिनट एंड सेकंड की इन रेडियन। क्योंकि हमें मालूम है कि जब भी हम कहीं डिग्री का मिनट का या सेकंड का यूज़ करेंगे तो बेसिकली वो रोटेशंस के केस होते हैं, तो वहाँ पे एंगल यूज़ होता है, तो उसी को हमने अब किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन की फॉर्म में। और आपको कहा गया था कि एंगल के सप्लीमेंट यूनिट्स क्या होते हैं, रेडियन, तो हम उन्हीं यूनिट्स का यहाँ यूज़ करेंगे। अब मुझे ये सिंगल सिंगल टर्म कन्वर्ट करनी है इन द फॉर्म ऑफ रेडियंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट अगर हमारे पास 360 डिग्री होता है तो उसे हम कितना लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन। जब एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता है तो एंगल इज 360 डिग्री, और उसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन। पाई इज 180, तो 180 टू 360, ये हमने क्या किया, एंगल किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में, ठीक है, मीनिंग डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर यहाँ से मैं 1 डिग्री निकालना चाहूँ तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, 2 पाई अपॉन 360 रेडियन, एंड 2 पाई की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे 3.14 डिवाइड बाई 360। तो जब डिवाइडिंग करके आप इसका आंसर निकालोगे, आंसर कितना आएगा, 1.744 इंटू 10 की पावर माइनस 2 रेडियन। अब हमें यह समझ आ गया कि एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 1.744 इंटू 10 की पावर माइनस 2। सिमिलरली अब हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं मिनट्स को, तो 60 मिनट्स दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है। जब हमारे 60 मिनट्स कंप्लीट होते हैं तो वहाँ पे हमारा जो एंगल होता है वो कितना होता है, 1 डिग्री। तो यहाँ से एक मिनट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 डिग्री अपॉन 60। अब हमने 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में निकाली हुई है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी एंड डिवाइडेड बाय 60, तो ये आंसर बनेगा दैट इज 2.91 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और साथ में रेडियन। अब हमें ये समझ आ गया कि एक मिनट में इतने रेडियंस प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली फॉर सेकंड वी नो दैट हमारे पास 60 सेकंड किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1 मिनट। तो यहाँ से हमें अगर क्या निकालना है, 1 सेकंड, तो दैट इज इक्वल टू 1 मिनट डिवाइडेड बाय 60। अब हमने 1 मिनट की वैल्यू निकाली हुई है और डिवाइड किससे कर दिया, 60 से, तो दैट इज इक्वल टू 4.48 इंटू 10 की माइनस 6 रेडियन। अब हमने यहाँ क्या किया, डिग्री को मिनट को और सेकंड को इन द फॉर्म रेडियन कन्वर्ट कर दिया है। अब ये वैल्यूज़ आपने लर्न रखनी है, ये आगे आपकी कन्वर्शंस में यूज़ की जाएंगी। नेक्स्ट वन, हमारे पास कुछ अदर यूनिट्स होते हैं लेंथ के, जैसे हमने पहले पढ़े थे मीटर सेंटीमीटर, अब इसके कुछ अलग यूनिट्स होंगे फॉर लार्जर एंड स्मॉलर मेजरमेंट्स। तो पहले आपको समझाया जा रहा है फॉर लार्जर मेजरमेंट्स। लार्ज मेजरमेंट के लिए हमारे यूनिट्स कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सेकंड वन इज लाइट ईयर एंड थर्ड वन इज परसेक। ये तीनों के तीनों क्या हैं, यूनिट्स हैं, किस चीज़ के, लेंथ के, पर लार्जर मेजरमेंट्स। अब पहले क्या समझाया जा रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या होते हैं, इसको डिनोट करते हैं ए यू के साथ। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक डिस्टेंस का यूनिट है, कौन सा डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ठीक है। अर्थ और सन के अंदर जो डिस्टेंस होता है, जो उसके हम मेजरमेंट्स करते हैं, तो उसके साथ यूनिट्स क्या लगाए जाते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इस डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 एंड दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो ये वैल्यू हमने लर्न रखनी है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स किसके इक्वल होता है, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। सेकेंड वन इज लाइट ईयर, ये भी क्या है, डिस्टेंस की यूनिट्स है, बिगर यूनिट्स। तो ये क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन वन ईयर, ठीक है। वन ईयर में जो लाइट है वो कितना ट्रेवल करती है इन वैक्यूम इज नोन एज लाइट ईयर, और इसको नोट करते हैं एल वाई के साथ। तो अब हमें ये ढूंढना है कितना कवर होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन वन ईयर, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸, और वन ईयर को हमने कन्वर्ट कर दिया, 365 डेज 24 और 60 मिनट्स एंड 60 सेकंड। तो इसे कैलकुलेट करके जो हमारा आंसर बना, दैट इज़ 9.46 इंटू 10 के 15 मीटर। तो ये हमारे पास लाइट ईयर की वैल्यू होती हैं।